प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को और प्रेस करें बेल आइकन न्यू वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्विक सिलेक्शन। जैसे मैंने यहाँ दो इमेज ले रखे हैं, तो मैं चाहता हूँ इस इमेज को सिलेक्ट करके यानी काट कर और सेकंड में सेट करना, तो क्विक सिलेक्शन में जाकर क्लिक करें। शॉर्टकट की W भी प्रेस करके ले सकते हैं आप। और मैं इमेज को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। और क्विकली सिलेक्शन करने के लिए बस अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करें, तो देखिएगा एक छोटा सा सिलेक्शन होता है। बस इसके अंदर रखें अपने माउस को और आगे की ओर इंक्रीज करते जाएं क्लिक करके या फिर ड्रैग करके। इस तरह से देखिएगा आपका तुरंत तुरंत ये क्विकली सिलेक्शन होते जा रहा है इस तरह से। लेकिन जब बात आती है जब एक्स्ट्रा सिलेक्शन हो जाता है जितना हमको नहीं चाहिए, तो यहाँ पर ही अभी हम लोग इंक्रीज कर रहे थे, अभी डिक्रीज करना होगा। तो इंक्रीज में आप देखते होंगे आपके जो क्विक सिलेक्शन के जो ब्रश है वहाँ बीच में प्लस है साइन, तो जब आप अल्ट प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ पर माइनस आ जाता है यानी डिक्रीज। ये अल्ट दबाकर आप इस एक्स्ट्रा सिलेक्शन के एरिया को डिक्रीज यानी घटा सकते हैं। तो इस तरह से आगे की ओर ड्रैग करें और इस तरह से डिक्रीज कर सकते हैं इस तरह से। और डिक्रीज होने के बाद जब आपको लगे हाँ ठीक है परफेक्ट है, तो आप अल्ट को छोड़ दें। इस तरह से हम लोग क्विकली सिलेक्शन कर सकते हैं किसी भी इमेज को और फिर मूव टूल में ले जाएं, अपने क्लिक करें मूव टूल में और उसके बाद फिर इसे अलग कर दें इस तरह से। और मूव टूल की सहायता से आप इस इमेज को ड्रैग करके सेकेंड इमेज में शिफ्ट करते हैं। आप इसमें ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके अल्ट और शिफ्ट दबा के किसी भी कर्नर में जाकर और इसके साइज में यानी स्केलिंग कर सकते हैं, रिसाइज जिसको बोलते हैं हम लोग ये। तो इस तरह से क्विकली हम किसी भी इमेज को तुरंत काट सकते हैं क्विक सिलेक्शन से। नेक्स्ट है मैजिक वॉन्ड। मैजिक वॉन्ड से भी आप क्विकली सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे आप स्टूडियो में अधिकतर आप देखते होंगे कि वहाँ स्टूडियो में क्या है कि दो तरह का पर्दा आपके बैकग्राउंड में यूज करते हैं, या तो ब्लू या फिर ब्लैक। तो जैसे वे लोग जब आपका स्नैप लेते हैं फ़ोटो खींचते हैं तो और तुरंत में उसका बैकग्राउंड का कलर अगर चेंज करना होता है, तो चूंकि एक कलर होता है इसलिए वो डायरेक्टली क्या करते हैं वो लोग मैजिक वॉन्ड का यूज़ करके सीधा क्लिक करते हैं। जैसे अभी देखिए इसके पीछे में वाइट कलर यानी सिंगल कलर है, तो आप इसको तुरंत एक क्लिक में ही सिलेक्शन कम्प्लीट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आप बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं और जूम कर लीजिए, यहाँ देखिए बचा हुआ है तो क्लिक कर दें, तो आप देखेंगे कि कंप्लीट आपका इमेज जो है उसका बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया। और सिंपली आप क्या करते हैं कि एक लेयर ले लें या फिर आप डायरेक्टली इसमें भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। लेयर लेकर आप जिस कलर का बैकग्राउंड चाहते हैं लेकर, और क्योंकि आप फ्रंट कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं इसलिए अल्ट के साथ बैक स्पेस या डिलीट प्रेस करें, और फिर सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल प्लस डी, तो आप देखेंगे कि तुरंत में आपने बैकग्राउंड का कलर जो है चेंज कर दिया। और इस जगह पर थोड़ा सा बाल जो है उलझा हुआ कारण ये नहीं हो पाया, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि पॉलीगन लेसों से सेलेक्ट कर सकते हैं, और रिमूव करना हो तो रिमूव कर सकते हैं। तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको फिर से यहाँ जाके अटैच कर दीजिए, तो ये कंप्लीट सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर आप इसमें कलर अल्ट डिलीट या फिर अल्ट बैक स्पेस का यूज़ करके इसमें फिल कर दीजिए कंट्रोल डी। उसी प्रकार से हैंड के सामने में थोड़ा सा मिस्टेक है, जूम कर लेते हैं हम लोग और इस एरिया को हम लोग थोड़ा सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें भी हम लोग कलर को फिल कर देंगे अल्ट प्लस बैक स्पेस, तो आप देखेंगे कि आपका इमेज जो है तुरंत क्विकली इमेज का जो मैंने बैकग्राउंड है तुरंत मैंने चेंज कर दिया। तो इस तरह से स्टूडियो में
तुरंत बैकग्राउंड को चेंज किया जाता है। आप मैजिक वॉन्ड का टूल, मैजिक जो वॉन्ड है, आप इस डायरेक्ट इमेज को भी चेंज सेलेक्ट करने में यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कीजिए चाहे फिर आप डायरेक्ट करेक्टर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट है हम लोगों का क्रॉप। तो क्रॉप के द्वारा भी आप अपने पिक्चर को काट सकते हैं, जो साइज आप डिफाइन करना चाहते हैं यहाँ पर लिखें। जैसे मैंने लिखा है 1.5, 1.3। अगर आप चाहते हैं कि 2x1.5 का साइज, तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक ये साइज आपका बन गया है, ये जो हाईलाइट कर रहा है। तो आप चाहते हैं कि जो हाईलाइट कर रहा है बस वही बचता है, और बाकी जो आपका हाईलाइट नहीं कर रहा है वो जो है कट कर ख़त्म हो जाता है। तो मुझे इसका फेस चाहिए, तो आप इस पिक्चर को बीच से पकड़ कर और ड्रैग करें डाउन की ओर, तो ऑटोमेटिक ये ऊपर की ओर आ जाएगा। अब मुझे ये भाग नहीं चाहिए, जो मेरा हाईलाइट हो रहा है, जो दिख रहा है उतना ही भाग चाहिए। चूँकि हम लोगों का सिलेक्शन भी, अगर आप कम बेसी अभी भी करना चाहते हैं तो आप इस जगह से जाकर इस तरह से क्रॉपिंग को घटा बढ़ा सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और या तो फिर आप इंटर प्रेस कीजिए तो ये क्रॉप एक्सेप्ट हो जाता है, या फिर आप मूव टूल में जाकर क्लिक करें। यहाँ आपको पूछेगा कि क्रॉप करना है इमेज को, यस क्रॉप। तो आप देखेंगे कि आपका एक्स्ट्रा जो भाग था वो हट जाता है। स्टूडियो में भी लोग जो है क्रॉप का यूज करते हैं फोटो को सही साइज में काटने के लिए। जैसे स्टाम्प या पासपोर्ट साइज का काटना होता है तो बस क्रॉप में क्लिक करके यहाँ पर उसका साइज डिफाइन करते हैं, ऑटोमेटिक ये कट कर देता है, काट देता है, और इंटरफेस करके वो उस फोटो का साइज पा लेते हैं। तो ये था हम लोगों का क्रॉप। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रॉप में ही एक होता है पर्सपेक्टिव क्रॉप। क्रॉप के डाउन में पर्सपेक्टिव क्रॉप, अगर आप किसी पिक्चर को पर्सपेक्टिव व्यू में दिखाना चाहते हैं तो पर्सपेक्टिव में क्लिक करें। इस पिक्चर को या किसी भी पिक्चर को जिसको आप पर्सपेक्टिव व्यू में दिखाना चाहते हैं उसे सिलेक्शन करें। सिलेक्शन करने के बाद जिस ओर आप जूम एरिया दिखाना चाहते हैं उस एरिया आप थोड़ा सा डाउन करेंगे। उसके बाद इस सिग्नेचर में आप क्लिक कर सकते हैं या फिर इंटर प्रेस करें, तो आप देखेंगे कि ये साइड का व्यू पहले से कुछ बड़ा दिख रहा है, यानी कि ये हो गया हम लोगों का पर्सपेक्टिव। आपको सही रूप से दिखाने के लिए मैं कंट्रोल अल्ट जेड का प्रयोग करके आपको शो करता हूँ। आप देख सकते हैं पहले हम लोगों का तस्वीर ऐसा था, फिर से अगर आप करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि ये आधा भाग में करना चाहता हूँ, देख सकते हैं। और क्लिक, देख सकते हैं ये व्यू है आपका पर्सपेक्टिव मोड में दिखा रहा है। तो इस तरह से आप किसी पिक्चर को पर्सपेक्टिव व्यू में बना सकते हैं। अगर आप किसी अदर पिक्चर में देखना चाहते हैं तो कोई अदर पिक्चर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इस पिक्चर में मैं पर्सपेक्टिव करके दिखाता हूँ, सॉरी। तो मैं इसे सिलेक्शन किया, जिस एरिया को जूम व्यू में दिखाना है उस एरिया के सिलेक्शन को हम लोग यहाँ थोड़ा छोटा कर देते हैं। फिर आप क्लिक करें सिग्नेचर में या फिर इंटरप्रेस करें इस तरह से, तो इस तरह से भी किसी पिक्चर को पर्सपेक्टिव व्यू में दिखा सकते हैं। तो ये देखिए हम लोगों का पर्सपेक्टिव व्यू बन गया। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोगों का है स्लैश टूल। स्लैश टूल होता है जब आप वेब पेज बना रहे होते हैं, मतलब वेब पेज का आप डिजाइन कर रहे होते हैं फोटोशॉप में, तो एक जगह बनाने के लिए कि किस जगह पर कौन सा टेक्स्ट होगा, कौन सा पिक्चर होगा,
तो इसके लिए हम लोग स्लैश टूल से निर्धारित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके हाथ में भी स्लैश टूल है, तो आप यहाँ से एक बॉक्स ले लिए, तो ये डिसाइड करने कि यहाँ पर मैं एक फोटो रखूँगा और इस जगह पर एक टेक्स्ट होगा, यहाँ पर कुछ डिटेल्स होंगे, यहाँ मार्क्यू का एनिमेशन चलेगा और इस जगह पर हम लोगों का कंपनी का लोगो होगा। तो इस तरह से हम लोग प्लेसेस को निर्धारित करते हैं कि किस जगह पर क्या होगा। और इसको कंप्लीट नोट देने के लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट में जाकर एक होता है नोट, तो यहाँ से आप क्लिक करके और यहाँ लिख सकते हैं क्लिक करके कि इस जगह पर पिक्चर का हम लोगों ने बॉक्स बना के रखा हुआ है, यहाँ पर पिक्चर शेड करें, तो PICTURE। फिर हम लोगों ने यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ भी एक नोट हम लोगों ने शेड कर दिया। कंपनी नेम, यहाँ पर हम लोगों का कंपनी नेम होगा और इस जगह पर इस बॉक्स में डिटेल मींस कंपनी का डिटेल्स। तो इस तरह से हम लोग नोट वगैरह अटैच कर सकते हैं जिस जगह पर आपको, यहाँ पर हम लोगों ने लोगो डिसाइड किया हुआ था, तो क्लिक करके यहाँ से हम लोगों ने लिख दिया लोगो, कंपनी लोगो, कंपनी लोगो। तो इस तरह से हम लोग शेडिंग करते हैं, उसके बाद आपका जो जो चीज हाँ जो जो खाली है उस तरह से आप वहाँ लिख सकते हैं नोट वगैरह। तो कोई भी जो बनाने वाला डेवलपर है, जो पेज डिज़ाइन करेगा आपका, वो जब क्लिक करेगा यहाँ पर, तो वो ऑटोमेटिक जान जाएगा कि यहाँ कंपनी का नेम डालना है, इस पर डिटेल लिखनी है, इस जगह पर आपका कंपनी का लोगो होगा, इस जगह पर पिक्चर शेड करना है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं एरिया बेस पर हम लोग बांट सकते हैं कि किस जगह पर क्या चीज़ रखना है हम लोगों को। इसी को आप काउंट बेस पर भी रख सकते हैं, वन और सेकंड ये है, टू थ्री फोर जो भी हो। अगर आपको एरिया चेंज करना हो तो आप यहाँ स्लाइस सेलेक्ट का यूज करके एरिया को इधर से उधर या छोटा बड़ा कर सकते हैं, मूव टूल से नहीं। देखिए जैसे थोड़ा सा इधर करना है, देख सकते हैं आप, इस तरह से आप जगह वगैरह को मेंटेन कर सकते हैं, थोड़ा सा दूर पास रख सकते हैं, मूव कर सकते हैं इधर उधर, जिधर चाहे उधर मूव कर सकते हैं। और साइज में परिवर्तन करना हो तो सिंपली आप क्लिक करके यहाँ से इसमें रिसाइज भी कर सकते हैं, यानी स्केल जिसको कर सकते हैं, स्केल भी आप कर सकते हैं। इस तरह से तो ये था हम लोगों का स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर किसी भी जगह के कलर को पिक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लिक करें आई ड्रॉपर टूल। अभी आपके पास ब्लू और रेड है, ब्लू, तो मैं चाहता हूं इस जगह कलर पिक करना, इस जगह का कलर को पिक करना, तो क्लिक करें तो आप देखेंगे कि उसी जगह पर उसी जगह का कलर जो है आपका पिक हो गया। मैं यहां कलर पिक करना चाहता हूं, देख सकते हैं जिस जगह पर आप जिस जगह पर जाएंगे उस जगह का कलर आप ले सकते हैं। जब आप कोई पिक्चर वगैरह क्रिएट कर रहे हैं या आप कोई पिक्चर को कलर कर रहे हैं, तो ज़रूरी होता है कि हम लोग कहीं से कलर को पिक करके अगर यूज करें तो एक बेहतर कलर लेने के लिए अच्छा होता है, ताकि हमारा पिक्चर जो थोड़ा रियलिस्टिक नज़र आए। तो इस तरह से हम लोग किसी भी जगह का पिक्चर को पिक्चर के कलर को पिक कर सकते हैं, ले सकते हैं, और फिर ब्रश के द्वारा इसे उसी कलर में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल। ये 3D के लिए होता है, जो हम लोग आगे के चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट होता है कलर सैम्पलर टूल।
ये क्या करता है कि ये बताता है कि किस जगह पर कितना कलर का सेचुरेशन है। जैसे मैं इस जगह का कलर का सेचुरेशन पता करना चाहता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा जूम करना चाहूँगा, तो कंट्रोल के साथ प्लस को हम लोग जानते हैं जिस तरह कि कंट्रोल के साथ प्लस दबाने पर यह जूम होता है। फिर स्पेस दबाकर डाउन की ओर शिफ्ट करें। मैं यहाँ का कलर का सेचुरेशन जानना चाहता हूँ, क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए देख सकते हैं कि वन, यहाँ वन आ गया। तो यहाँ देखिए नंबर वन में सेचुरेशन यहाँ का क्या है कि आर मीन्स रेड, रेड का सेचुरेशन 210 है, ग्रीन का 166, बी का मीन्स ब्लू का 117। ग्रीन, ब्लू और रेड जो प्राइमरी कलर है उसका सेचुरेशन को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। आप सेकेंडरी कलर का भी सेचुरेशन जान सकते हैं, बस इसी जगह पर राइट क्लिक करें और यहाँ से जाएं CMYK, ब्लैक सॉरी सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक या क्रिस्टल। ओह क्रिस्टल, इस तरह से आप जान सकते हैं कि सियान का सेचुरेशन क्या है, मैजेंटा का क्या है, येलो का क्या है, या इसे ब्लैक या क्रिस्टन कह सकते हैं। तो इसका कलर का सेचुरेशन क्या है यहाँ, तो ये बस सेचुरेशन जानने के लिए होता है। नेक्स्ट है रूलर, ये हाइड और वाइड जानने के लिए बस यहाँ से आप ट्रैक करें, तो आप यहाँ से विड्थ या वाइड बोल सकते हैं और हाइट को आप जान सकते हैं। जब आप कोई डिजिटल पेंटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें जरूरी होता है कि एक्यूरेट साइज का हम कोई पिक्चर को बनाएं, तो हम लोगों को हाइड और वाइड सही नॉलेज के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं रूलर का, ताकि हम एक सही साइज जान सके कि यहाँ से यहाँ तक का साइज क्या है, या अगर हम लोग कोई हेड अगर क्रिएट कर रहे हैं बना रहे हैं तो जानना है कि यहाँ से यहाँ तक का साइज इसका क्या है, और अप से लेकर डाउन तक का इसका साइज क्या है। तो हम लोगों का जो डिजिटल पेंटिंग बनता है एक्यूरेट तैयार होता है।